तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका, त्रिपुरा में गिर सकती है बीजेपी सरकार, कई विधायकों ने दिया इस्तीफा, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव का मांगा है ओरिजिनल वीडियो, हो सकती है 5 साल की बाबा रामदेव को सजा, बढ़ गई हैं योग गुरु की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में असुद्दीन वैसी ने किया ऐलान, 2022 में यूपी में मुस्लिम होगा डिप्टी सीएम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, चोरी छुपे चीन ने 6 महीने में LAC पर तैनात कर दिए 1000 भारत के खिलाफ सैनिक, भारत पर हमले की तैयारी में चीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बुरी तरह से पीटे भाजपा के कार्यकर्ता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर जमीन मामले को लेकर राम मंदिर के ट्रस्टियों ने संजय सिंह और केजरीवाल पर दर्ज कराई FIR। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में भाजपा को लगा बड़ा झटका, त्रिपुरा में गिरेगी बीजेपी सरकार, घटक दल के विधायक ने दिया इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है और त्रिपुरा में कभी भी बीजेपी सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली विलप्पल सरकार संकट में आ गई है, क्योंकि भाजपा के सहयोगी दल IPFT के विधायक ने आज इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद संकट में भाजपा सरकार त्रिपुरा में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि काफी समय से भाजपा के विधायक सहित अन्य विधायक त्रिपुरा में विलप्पल कुमार से नाराज हैं और उन्हें हटाने की लगातार भाजपा से मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा त्रिपुरा में इनको नहीं उठा रही है, जिसके बाद अब बीजेपी के घटक दल के विधायक ने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही कि त्रिपुरा में भाजपा सरकार कभी भी गिर सकती है और कई और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि त्रिपुरा में भाजपा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने किया ऐलान, उत्तर प्रदेश में लेकर रहेंगे सीएम या फिर डिप्टी सीएम पद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की AIMM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है। असुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है, इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में हम डिप्टी सीएम या फिर सीएम पद लेकर रहेंगे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा या फिर सीएम होगा, इन दोनों पदों को इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमान लेकर रहेंगे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आज तक SP, BSP और BJP ने वोट लेकर मुसलमानों को यूपी में कुछ नहीं दिया और उनका हक उन्हें नहीं दिया। अब असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि स्थिति ऐसी आ रही है कि अब हक नहीं मिलता है तो हमें हक उत्तर प्रदेश में छीनना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि 30% आबादी से अधिक मुसलमानों की आबादी यूपी में है, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आज तक किसी को ना तो डिप्टी सीएम बनाया गया मुसलमान को और ना ही सीएम पद दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान डिप्टी सीएम होगा या फिर सीएम होगा, इन दोनों में से एक पद मुसलमान यूपी में लेकर रहेंगे। तो बड़ा ऐलान ओवैसी ने कर दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से मांगा ओरिजिनल वीडियो, हो सकती है बाबा रामदेव को जेल। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव को कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथी मेडिसिन पर दिए गए बयान का वास्तविक रिकॉर्ड अदालत में दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस ने योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील रोहतगी से पूछा है कि उन्होंने कहा है कि उनका ओरिजिनल रिकॉर्ड हमें ला कर दें, जिसमें उनकी पूरी तस्वीर सामने आनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन सहित एलोपैथी पर विवादित बयान दिया था,
बाबा रामदेव ने बताया था कि कोरोना वैक्सीन जो डॉक्टरों ने बनाई है वो कोरोना वैक्सीन से वायरस खत्म नहीं हो रहा है और लगातार देश में इस कोरोना वैक्सीन को लगाया जा रहा है, जिसके बाद बाबा रामदेव पर देश के डॉक्टरों ने देशद्रोह के मुकदमे और NSA लगाने की मांग की थी। भाई आपको बता दें कि इसी को लेकर अब बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बाबा रामदेव को झटका देते हुए कहा है कि एलोपैथी पर जो विवादित बयान दिया था उसका ओरिजिनल वीडियो कोर्ट में बाबा रामदेव पेश करें, उसके तहत ही हम कार्रवाई करेंगे। तो बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बाबा रामदेव को जेल हो सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गाजीपुर में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता और कृषि कानून के खिलाफ महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। चश्मेदीदों ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ता जहां पर किसान धरना दिए बैठे हैं वहां पर जुलूस निकाल लेते, किसानों ने जुलूस निकालने से मना किया लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता नहीं माने। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं के ना मानने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोपहर करीब 12 बजे ही किसानों ने भाजपा समर्थकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह से भाजपा समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता पिटे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा है, जिसमें तोड़फोड़ भी हुई है और पथराव भी हुआ है और कई वीडियो वायरल भी हुए हैं जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता किसानों के सामने बुरी तरह से पिटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने जमकर भाजपा समर्थकों की पिटाई गाजीपुर बॉर्डर पर की है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पर हमले की तैयारी में चीन 6 महीने में 100 बार भारत के खिलाफ किया है सैन्य युद्धाभ्यास। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूर्वी लद्दाख में LAC के पास एक और जहां भारत से बातचीत के जरिए चीन सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि बातचीत के पीछे चीन अब भारत को धोखा दे रहा है और चोरी छुपे अपनी ताकत बढ़ाने में चीन कामयाब रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चोरी छिपे चीन 6 महीने में भारत के खिलाफ 100 सैन्य अभ्यास कर चुका है, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने भी अभ्यास साथ में किया है, जिसके जरिए अब खुलासा हुआ है कि चीन भारत पर कभी भी हमला कर सकता है और भारत को सिर्फ धोखा देकर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती शहरों में वह अपनी सेना को भेजना चाहता है और इन क्षेत्रों में कब्जा करना चाहता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर पाकिस्तान भी लगातार ड्रोन हमले भारत पर कर रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में ट्रस्ट के लोगों ने आप नेता संजय सिंह पर दर्ज कराई FIR, केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन खरीद फरोख्त मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसी मामले को लेकर राजनीतिक पार्टी संत समाज व हिंदू एक्टिविस्ट सामने आ गए हैं। ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट के पदाधिकारी सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज अयोध्या में करवाया। संजय सिंह के इसी कदम से आहत साधु संत व हिंदू एक्टिविस्टों ने संजय सिंह सहित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या जनपद के रहने वाले हिंदू एक्टिविस्ट विक्रम मणि तिवारी ने नगर कोतवाली में संजय सिंह और केजरीवाल के खिलाफ तहरीर देकर FIR दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई तहरीर में ट्रस्टियों ने कहा है कि विगत दिनों में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से लगातार अमर्यादित तरीके से चंदा चोर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुझ जैसे लाखों हिंदू जनमानस को मानसिक उत्पीड़न हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोप ट्रस्टियों पर लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत हैं, इसलिए संजय सिंह सहित केजरीवाल पर FIR दर्ज होनी चाहिए और इन पर इनको जेल में डालना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा कोरोना पीड़ितों को मुआवजा दे भाजपा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने COVID-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बुधवार को दावा किया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी गलती सुधारें और कम से कम सरकार को कोरोना पीड़ितों को सही राशि में सही मुआवजा देना चाहिए, जिससे उनकी दिशा सुधर सके।
राहुल गांधी ने कहा कि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी अब भाजपा से नाराज है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को एक्शन लेना चाहिए और कोरोना मरीजों को मुआवजा देना चाहिए। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता ने छात्रों को दिया बंगाल में बड़ा तोहफा, अब छात्र 10 लाख रुपए तक का ले सकेंगे लोन। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रों के लिए बुधवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए छात्र साधारण वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में आज छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साधारण वार्षिक ब्याज दर पर इस योजना के तहत 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा और ये योजना 2 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि बंगाल में अब कोई भी स्टूडेंट 10 लाख रुपये तक का लोन ममता सरकार से ले सकता है और कोई कारोबार कर सकता है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की मुश्किलें, बढ़ाएंगे योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें नीतीश कुमार ने बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं हुआ तो जेडीयू उत्तर प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेगी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश में जेडीयू विधानसभा चुनाव लड़ती है भाजपा के विरोध में, तो भाजपा को इससे बड़ा नुकसान होगा और भाजपा के लगभग 10-15% वोट कटेंगे और भाजपा की फिर सरकार बनना मुश्किल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं।